बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी प्रवक्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा ने कहा कि मीडिया प्रभारी, सह प्रभारी और सभी प्रवक्ताओं की बैठक थी। वहीं उज्जैन में तालिबान के समर्थन में नारा लगने पर वीडी शर्मा ने कहा कि खंडवा में भी कहा था कि आज भी प्रदेश के अंदर तालिबानी सोच के लोग हैं। ऐसे दिग्विजय सिंह हैं जो एयर स्ट्राइक पर सबूत मांगते हैं। साथ ही शर्मा ने कहा कि अगर उज्जैन में किसी ने नारा लगाया है तो कार्रवाई होगी, प्रदेश सरकार किसी को नहीं बख्शेगी। वहीं उपचुनाव की तैयारियों पर शर्मा ने कहा कि एक लोकसभा और तीन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां जारी हैं। खंडवा लोकसभा और विधानसभा में गरीब कल्याण की योजनाओं पर चुनाव होंगे और बीजेपी जीतेगी। मेरा दौरा केवल उपचुनाव को लेकर के नहीं था, संगठन काम के विस्तार और सुदृढ़ीकरण हमारा प्रमुख लक्ष्य है, उसको लेकर के मेरे प्रवास सभी स्थानों पर पहले भी हुए थे और अभी कोविड के कारण से रुके थे, हमने फिर शुरुआत की है और चुनाव भी उसका एक हिस्सा है। इसलिए खंडवा लोकसभा का चुनाव है या जो होने वाले तीन विधानसभाओं के बाई इलेक्शन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो गरीब कल्याण के काम जो हुए हैं उन मुद्दों पर जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी को समर्थन है और इन उपचुनावों को हम ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीतेंगे।